फैजपुर शहर के इंजीनियरों ने आज मुख्य अधिकारी नगर पालिका फैजपुर से मांग की है कि नवीन बांधकाम परमिशन के लिए जो वक्त लग रहा है, इसकी वजह से बांधकाम करने वाले लोगों से लेकर हम इंजीनियरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बार बार हमसे शिकायत कर रहे हैं कि बहुत दिन होने के बाद भी हमें परमिशन क्यों नहीं मिल रही है। इस बारे में जनता की बात न्यूज चैनल के जरिए इन इंजीनियरों ने और सीओ साहब ने इन इंजीनियरों को क्या आश्वासन दिया, इस बात पर हम बात कर रहे हैं। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात। इस फोटो जो है हमें जो काम समझो हमने लिए है कि भाई मटेरियल सनत काम लिए है, इसका लोन रहता है तो लोन के लिए परमिशन लगती है। आदमी काम कर चुका होता है कि भाई चलो 20 लाख का काम ले ले, तो 10 लाख का काम अगर ले चुका होता है तो 6-6 महीने परमिशन के सिवा उनका लोन नहीं पास हो सकता। तो हमारे जैसे जो भी इंजीनियर्स है वो घर से तो इतना पैसा डाल नहीं सकते, इसलिए नगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए कि भाई 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन में सैंक्शनिंग होने चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए नगर पालिका ने। विषय है वो ऑनलाइन का विषय है, 15 दिन से ज़्यादा ऑनलाइन इसीलिए किया है, ऑफलाइन में टाइम लगता था, ऑनलाइन क्यों किया कि जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए, लेकिन वो ही नहीं हो रहा तो फिर ऑनलाइन करके फ़ायदा ही क्या है। और महाराष्ट्र में रेगुलर सब DCPR का रूल जो है वो सब एक ही है, फिर सावदा में फोटो लगता नहीं है, रावेर में लगता नहीं है, फिर फैजपुर को क्यों लगता है, ऐसा अलग अलग नहीं होना। जो कॉमन मैन रहता है उसको ये जो कंडीशन रहती है इधर की टेक्निकल जो व्यू रहते हैं उनको पता नहीं रहता है, इसकी वजह से हमारा जो नाम खराब हो रहा है वो अच्छा नहीं है, इसमें नगर पालिका ने ध्यान देने को होना। हमारा इशू ये था कि पहले तो नगर पालिका में परमानेंट टाउन प्लानर चाहिए, क्योंकि परमानेंट टाउन प्लानर नहीं होने की वजह से परमिशन जो ऑनलाइन हुई है, जो ऑनलाइन होने की वजह ये थी कि वह परमिशन जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन आज कंडीशन ये है कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने भी हो जा रहे तो परमिशन निकल नहीं पा रही। हर टाउन प्लानर जो भी आ रहा है 2-3 महीने के बाद में टाउन प्लानर चेंज हो जाता, और वो चेंज होने के बाद में हर टाउन प्लानर के नियम भी अलग अलग हो जा रहे, जबकि DCPR आपका अप्रूव हो चुका तो सेम नियम के थ्रू सारे टाउन प्लानर जो है वो एक ही नियम पे चलना चाहिए। जैसे आज की कंडीशन में फैजपुर नगर पालिका में कोई GPS का फोटो मांग रहा, कोई एफिडेविट मांग रहा, सावदा नगर पालिका में एफिडेविट की भी ज़रूरत नहीं, GPS की फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं, रावेर में जाओ तो वहाँ के नियम अलग हो जा रहे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को परमिशन लेने में भी दिक्कत हो रही है, हर लोगों का हमारा रेपुटेशन जो है पर्सनल, जितने इंजीनियर्स है हम जो सुशिक्षित बेरोजगार जो इंजीनियर से बाहर के, उनका ये इंटेंशन क्रिएट हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग घुमा रहे, जबकि घुमाने में हमारा मसला नहीं है, मैटर जो है वो नगर पालिका क्रिएट कर रही है, मतलब नगर पालिका के जो टाउन प्लानर है वो टाइम ही नहीं दे पा रहे तो हम कहाँ से परमिशन निकालेंगे। दाखला।